घर से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह दास ठहरा था, वहाँ पर देखा कि ऐसा ही एक मस्ताना है जो दर्शनों की प्यास में रोता रहता है, उदास बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। काफ़ी समय उसके पास बैठा रहता था दास, पर वो बात नहीं करता था। अचानक थोड़ा समय बीता तो थोड़ा कीर्तन की वजह से उसने सत्कार किया, थोड़ी बात की, तो मन की अवस्था का पता चला कि दर्शनों की प्यास है इसे जागी हुई। रोता रहता है, कई साल हो गए सेवा करते हुए। सेवा कौन सी थी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। गुरु साहिब जी के वस्त्र समय पर बदलने, प्रकाश करना, सुखासन करना, कई साल हो गए थे पर दर्शनों की प्राप्ति नहीं हुई थी। कुछ समय वहाँ रह के दास चला गया था, और फिर 6 साल बाद दास वहाँ गया, वहीं उसी जगह पे, और फिर उसकी अवस्था देखी। छिपा कर बैठा था। क्या देखा मैंने कि जो लंगर बनाते हैं ना माताएं, भोजन बनाते हैं गुरु साहिब जी को भोग लगाने के लिए, दो माताएं खाना बना रही थी। उनसे कह रहा था, माता जल्दी करना, गुरु नानक पाशा नाराज़ हो जाएंगे, तू हमेशा लेट कर देती है, बैठे रहती है, भोजन आएगा, थोड़ा जल्दी डाल के देना, थोड़ी जल्दी बना दिया करना, गुरु नानक पाशा को मैं क्या बोलूँगा, लेट आता हूँ मैं। फिर हर से बोलिया धन गुरु नानक। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे देखकर चुप कर गया, दर्शन मिल गए हैं। अब रोया करता था, अब प्रत्यक्ष भोग लगा रहा है। ये अथकथनी नहीं है, कोई पाना चाहे ये वो सेवा है, जो चाहे बाबा नानक सिंह जी कहते थे करके पाले। आपकी कोई भी सेवा है उसे छोटी मत समझना। कोई भी सेवा, कोई पाठ करने की कर रहा है, कोई कराने की कर रहा है, कोई सफाई की कर रहा है, कोई लंगर की कर रहा है, बस सेवा में अगर ये भावना जाग जाए कि गुरु